गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विथ बॉडी मूवमेंट्स पार्ट वन ऑफ सिक्स्थ स्टैंडर्ड। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट इट इज अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स एक ऐसा जगह है जहाँ हमारे बॉडी के दो पार्ट्स जॉइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ बोन्स। बोन्स के द्वारा दो बोन्स के बीच का जो जगह है दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट। जैसे ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो दोनों के बीच में एक जॉइंट है। सो दिस टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सपोज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर जॉइंट सो दैट इट मे मूव। सो जॉइंट होने की वजह से हमारा बॉडी पार्ट्स मूव हो सकता है। और जनरली देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ द जॉइंट। चार जॉइंट्स होते हैं, क्या क्या? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। देखते हैं हम, यहाँ देखिए फिगर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, पाइवोटल जॉइंट का, हिंज जॉइंट का और फिक्स जॉइंट का। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारे जो जॉइंट्स हैं, चार तरह के जॉइंट्स हैं, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों इसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ फर्स्ट जो है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो कि मूवमेंट क्या कर रहा है, हर डायरेक्शन में। जैसे हमारा शोल्डर का जो जॉइंट है, शोल्डर और ये जो हमारा बोन है हैंड का, उसके बीच में जो जॉइंट है उसे हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे ये देखिए, ये चारों तरफ मूव हो सकता है, दिस मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। उसी तरह से हमारा जो हिप जॉइंट है, पैर का जो जॉइंट है, फीमर बोन जहाँ से अटैच है, वहाँ पे कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि चारों तरफ मूवमेंट में मदद कर रहा है। इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन। और ये इसमें क्या हो रहा है, राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ अनदर बोन। एक राउंड है उसमें कैविटी में फिट है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो इन दिस जॉइंट द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ अनदर बोन। और एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि जो शोल्डर का जॉइंट है और हिप का जॉइंट है, वो कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताया है, हिप का और हैंड का, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। सो बोथ शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर कम्स अंडर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ देखिए इस फिगर को ऑब्जर्व करिए ध्यान से, एक राउंड एंड है उसमें एक फिट है बोन विद द हेल्प ऑफ जॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इसके कारण वो मूव हो रहा है। सेकेंड जो जॉइंट है वो है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो कि हमारा मूवमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जैसे गर्दन नेक जॉइंट, ये ऐसा मूव हो गया, ये पीछे ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज पाइवोटल जॉइंट। सो पाइवोटल जॉइंट इज ए जॉइंट विच अलाउ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल एज साइडवेज ऑल्सो लाइक दैट। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज पाइवोटल जॉइंट। अब इसमें क्या हो रहा है, इस जॉइंट में सिलिंड्रिकल बोन जो है एक रिंग में रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, इन दिस जॉइंट सिलिंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग, एक रिंग में घूम रहा है। एग्जाम्पल नेक जॉइंट, जॉइंट ऑफ बैकबोन ऑल्सो, ये जो हम ऐसा पीछे थोड़ा और आगे थोड़ा मूव हो जाता है, तो किसके द्वारा हो रहा है, दैट इज बाय पाइवोटल जॉइंट। यहाँ देखिए जॉइंट ऑफ बैकबोन है, कौन सा जॉइंट? पाइवोटल जॉइंट। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, ये देखिए नेक मूव हो रहा है, सो इसमें कौन सा जॉइंट है? पाइवोटल जॉइंट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट जो जॉइंट है वो कौन सा है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट,
लाइक ए हिंज। आप डोर देखे हो, डोर डोर में क्या होता है कि दरवाज़ा ऐसा खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। अब जैसे हमारा एल्बो का जॉइंट, ये जो जॉइंट है ये देखिए इस तरह से हो रहा है। नी का जॉइंट, उसमें भी हम घुटने से पैर मोड़ सकते हैं, बट वो एक ही डायरेक्शन में, ये पीछे नहीं जाएगा, हाँ बैक एंड फोर्थ, ये आगे गया ऐसा घुमा, ऐसा गया ऐसा घुमा, लेकिन ये बैक डायरेक्शन में, और अगर इसको हम चाहेंगे मोड़ना तो ये नहीं मुड़ेगा इस तरह से, इस पीछे साइड में नहीं मुड़ सकता है। तो ये हो गया आपका हिंज ज्वाइंट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट। सो हिंज ज्वाइंट इज ए ज्वाइंट विच अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट लाइक ए हिंज। हिंज इज प्रेजेंट इन डोर या लैपटॉप में, देखिए आपका हिंज होता है जिसके कारण आपका मॉनिटर जो है खुलता है और बंद होता है। यहाँ देखिए एल्बो ज्वाइंट है और नी ज्वाइंट है, क्या उसमें कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है, हिंज ज्वाइंट। यहाँ देखिए मूवमेंट देखिए, उसके कारण मूव हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ओके। नाउ फिक्स्ड ज्वाइंट, फिक्स्ड कहने का मतलब ये जो है इमूवेबल ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट मूव नहीं होता है। जैसे सब ज्वाइंट देखा आपने मूव हो रहा है उसके कारण, बट यहाँ पे बोन्स का मूवमेंट नहीं हो रहा, बोन्स क्या है फिक्स्ड है एंड दे कैन नॉट मूव। जैसे हमारा स्कल का में जो ज्वाइंट है, स्कल में बहुत सारे ज्वाइंट हैं, तो वो ज्वाइंट क्या है, फिक्स्ड ज्वाइंट है। या अपर जा, जैसे अगर हम माउथ को ओपन करते हैं तो क्या हो रहा है, लोअर जा हमारा मूव हो रहा, अपर जा हमारा मूव नहीं हो रहा। तो अपर जा और स्कल में जो ज्वाइंट है दे आर द फिक्स्ड ज्वाइंट। सो फिक्स्ड ज्वाइंट इज अ ज्वाइंट इन विच बोन्स आर फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट मूव। यहाँ देखिए फिक्स्ड ज्वाइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, दिस स्कल में अलग अलग देखिए बोन्स आर प्रेजेंट, पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, नेजल बोन, हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, और हर बोन्स के बीच में क्या है, ज्वाइंट है। सो दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ज्वाइंट। इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है, अपर जा देखिए मूव नहीं हो रहा है, बट लोअर जा जो मूव हो रहा है, तो अपर जा इज फिक्स्ड, अपर जा इज प्रेजेंट, इन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट, सो इन अपर जा फिक्स्ड ज्वाइंट इज प्रेजेंट। Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.